हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेसिक इंग्लिश पर बेस्ड आज का हमारा सेकंड डे वीडियो लेसन है। इससे पहले वाले वीडियो लेसन में हमने सेंटेंस के बारे में बात किया था, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के आप उस वीडियो को देख लें ताकि चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए और आसानी हो समझने में। वेल, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे लेटर्स के बारे में। जी, सबसे शुरुआती चीज़, सबसे बेसिक चीज़, आप कहेंगे कि लेटर्स कौन नहीं जानता है, लेकिन शायद आपको इसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलें जो शायद आपने इससे पहले कभी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर्स के बारे में। लेटर्स को हिंदी में हम अक्षर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे शुरुआती चीज को, सबसे पहली चीज को, सबसे बेसिक चीज को हम लेटर कहते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। लेटर्स आर रिटन इन टू वेज। जब भी हम लेटर्स को लिखने की बात करते हैं तो उसको दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, वी ऑल नो दैट। ठीक है, लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। जब भी हम लेटर्स को प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करें, उच्चारण के बारे में बात करें, जब भी हम लेटर्स को बोलने के बारे में बात करें हम, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं दो भागों में। एक होता है वॉवल लेटर और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर। वॉवल हमारे पांच होते हैं, जिसको हम ए पी आई ओ और यू कहते हैं। बाकी जो रेस्ट है 21, उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वॉवल लेटर किसको कहते हैं। कहता है द लेटर्स विच प्रोनाउंसेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद से किया जाता है, यानी कि उसके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसे हम कहते हैं वॉवल लेटर। ए टी आई ओ और यू जो है वो क्या है, बेसिकली वॉवल लेटर है। अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में अगर हम लिखते हैं आंट यानी कि चींटी, तो ए जो है वो आ का उच्चारण अकेला करता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको, अगर हम बात करें एलिफेंट की तो ई जो है वो ए का उच्चारण अकेला करता है, आई जो है वो ई का उच्चारण अकेला करता है, ऑक्स जो है वो ऑ का उच्चारण क्या करता है, अकेला करता है। ठीक है, इसको बिना किसी, इसको किसी दूसरे अक्षर की मदद की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अगर इसी चीज को हम लिखे अंग्रेजी में तो ए को अगर हम लिखना हो तो ए लिखेंगे, लेकिन अगर हमको बी को लिखना हो इंग्लिश में और हिंदी के प्रोनाउंस के साथ में तो बी और ई के साथ लिखेंगे तो बी होगा। अगर हमको एफ लिखना हो तो ई और एफ लिखेंगे, तभी जाकर के हमारा वो एफ होगा। दूसरे शब्द में जब बात करें तो दोस लेटर्स विच आर प्रोनाउंस विदाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ लिप्स, विदाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ टीथ एंड विदाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ टंग, यानी कि वो सब अक्षर जिसका उच्चारण बिना होठों के, बिना जीभ के या बिना दांतों के कांटेक्ट में आने पर होता है, उसे हम बोलते हैं वॉवल लेटर। जैसे बोले हम ए या आई या ई ओ या फिर यू, तो इनमें जो है ना हमारा कोई कांटेक्ट लिप्स का, टीथ का नहीं होता है या फिर टंग का नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं वॉवल लेटर। ठीक है, दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट लेटर। कहता है द लेटर व्हिच प्रोनाउंसेस विथ द हेल्प ऑफ अदर लेटर, या फिर हम बोले वॉवल लेटर, यानी वह अक्षर जिसका उच्चारण वॉवल लेटर के मदद के साथ में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉन्सोनेंट लेटर बोलते हैं। है ना, जैसे मान लिया अगर हमको बी लिखना हो तो बी के साथ ई रहेगा तभी बी होगा। है ना, अगर हमको मान लिया के लिखना हो हिंदी में तो के ई मिलकर के के ई होगा, अगर हमको एम लिखना हो तो ई और एम मिलकर के ही एम बनेगा। इसको अगर हमको हिंदी में उच्चारण करना हो इंग्लिश का, है ना, अगर हमको बॉल लिखना हो तो बी और ए, है ना, यानी के मिलकर के बॉल का उच्चारण करेगा। ठीक है, कैट के लिए सी, है ना, ए टी कैट के लिए क्या होगा, तो सी और ए मिलेगा तभी ये कैट का उच्चारण करेगा। ठीक है, के आई टी काइट होगा तो के आई मिलकर के ही क्या बनेगा, काइट का होगा। लेकिन हम उसी जगह अगर हम बोलते हैं, है ना, एप्पल, तो ए, है ना, अकेला किसका उच्चारण करता है, तो ए का उच्चारण करता है। तो वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद से किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉवल लेटर। और वह अक्षर जिसका उच्चारण किसी वॉवल लेटर की मदद से होता है, यानी कि उसमें किसी वॉवल लेटर का होना जरूरी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।